स्कूल खोलने को लेकर पंजाब रासा की मीटिंग। रासा मीटिंग में पहुंचे सांसद औजला। द रिकॉग्नाइज्ड एंड रिलेटेड स्कूल एसोसिएशन की आज एक मीटिंग हुई, जिसमें 12 अप्रैल को स्कूल खोलने के मुद्दे पर विचार किया गया। रासा के पदाधिकारियों ने कहा कि 12 अप्रैल को स्कूल खोलने की घोषणा को वे स्थगित करते हैं, क्योंकि सांसद गुरजीत औजला ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मुश्किलों को लेकर सीएम व शिक्षा मंत्री से बात की जाएगी। वहीं वहां पहुंचे सांसद गुरजीत औजला ने कहा कि बच्चों को पढ़ाना भी है और उनको बचाना भी है, इसलिए इस भयानक बीमारी से बचने के लिए दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा। रासा को पेश आ रही मुश्किलों के समाधान के लिए वह शिक्षा मंत्री और सरकार से बात करेंगे और जल्द ही कोई ना कोई हल निकल आएगा। सर, पंजाब की मीटिंग सी संजोग इंटरनेशनल अमृतसर विखे, उन्होंने बुलाया से उन्होंने कुछ मुश्किल ने जो पंजाब सरकार ना संबंधित ने और वो मुश्किल जड़ियाँ ने लैके मुख्यमंत्री साहब को असी जावे और साढ़े जोड़े एजुकेशन मिनिस्टर ने उन्होंने नाल साझिया करा और जड़िया हल हो सकती हो गई। यही मैं गल उन्होंने स्टेज पर भी रिक्वेस्ट की जड़िया हो सकती हुई उन्होंने असी हल जोड़ा वा वो करवा के देवे, क्योंकि ये जोड़े स्कूल ने जोड़े रासा नाल संबंध रखते हैं इन्हों का कोई बहुत व्डा फीसा का बोझ नहीं है, करीब 2-400, 500-600 रुपये तक के अलग अलग तरीके के है। इन्हों का काफ़ी व्डा एक रोल पिंड है कि साड़ी जी रूरल आबादी है, खासकर जड़े सलाम एरिए उन्होंने बच्चे इन्होंने को काफ़ी पढ़ते हैं। करोना करके बड़ी वड्डी महामारी के करके साढ़े बच्चों जो स्कूल बंद ने, सारा कुछ बंद है, वह भी अभी डिस्कस किया किहड़े स्कूल ने क्यों ना ऑड इवन खोले जाण, क्योंकि बच्चे भी इस वेले घर रह गए 1-1.5 साल तो बच्चे जो घर रह जाते हैं तो वह भी आदत बच्चों की बन जाती है कि छुट्टी करनी या स्कूल नहीं जाना। सो वास्ते कुछ ना कुछ सरकार सोचेगी, पर मैं दसना चाहना जी बीमारी उन्होंने सोचना बड़ा भयंकर सिट्टे जोड़े वे वेखन सामने आ रहे। सो बच्चे जोड़े साडा फ्यूचर है देश का, इन्हों बचा भी है, इन्हों पढ़ा भी है, इन्होंने दोवे चीज़ों के उत्ते जो सरकार तो असं कोशिश करा जो बेस्ट हो सकता वो कर कुछ। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी मुश्किल है ये इस वे सारे देश की है, देश के नाल सारे खड़ा होना पैना है। नुकसान इन्हों का कोई शक नहीं कि इन्हों का भी बहुत व्डा है, क्योंकि फीसा जो बंद स्कूलों के देनिया पैदा ने तो पेरेंट्स भी आते हैं कि बच्चे जो पढ़ते नहीं फीस किस गल की, फिर स्कूल तो आते नहीं तो सरकार इन्हों भी जिन्हें टीचर उन्होंने तनखावें भी दो। सो वो कित ना कि जो तालमेल बिठाने की गल है, सो वो गल असी सरकार पे चुके कराएगी ठीक, इन्हों भी बचावे, बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, बच्चों को पढ़ाई का भी मौका मिले और उन्होंने बीमारी तो भी बचाव। स्कूल ज्यादातर सरकारी फंड्स से ही मुनसर करते हैं जिहड़ा इन्हों का राइट इन्होंने मिलेगा, कानूनी तौर पर जो इन्हों के अधिकार ने वो नहीं किसी के भी खुसणगे, वो असी राइट उन्होंने दवावे। रविंदर सिंह मान, रासा पंजाब, जिहड़ी अज की मीटिंग सी वो असी 12 तरीक जो स्कूल खोलन का ऐलान किया संबंध में रखी गई सी, सारे जिलों के प्रधान और सैकटरी आए सी, सारे ने सलाह मशवरा किया। इस मीटिंग औजला साहब भी आए, अज साडे बंदे डिंपा साहब ने मिल गए तो उन्होंने सानू विश्वास दवाया कि असी सरकार नाल गल करदे हां, तुसीं इह फैसला टाल दिओ। तो उस दे संबंध जदों असी अपने सब नाल गल की जिहड़ा 12 तरीक का फैसला सी असी वो पोस्टपोन किया।